हाय देयर, अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर इनएक्टिव स्टूडेंट कौन है, या फिर आप कंफ्यूज हैं इसके बारे में और आप जानना चाहते हैं कि इनएक्टिव स्टूडेंट कौन होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि इनएक्टिव स्टूडेंट कौन होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनएक्टिव स्टूडेंट का मतलब है कि ऐसा स्टूडेंट जो एक्टिव नहीं है, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कौन से स्टूडेंट को इनएक्टिव समझा जाएगा? ऐसे स्टूडेंट को इनएक्टिव समझा जाएगा जो कोर्स की सिलेक्शन के दरमियान किसी भी एक कोर्स को भी सिलेक्ट ना करे। जैसे कि कोर्स की सिलेक्शन के दरमियान कई सारे कोर्सेज दिए जाते हैं, 6 कोर्सेज भी दिए जा सकते हैं, 7 भी या इससे ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, तो इनमें से किसी एक कोर्स को भी अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं करता है और कोर्स सिलेक्शन जो है उसकी डेट जो है ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में उस स्टूडेंट को इनएक्टिव कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उसने कोई एक कोर्स भी सिलेक्ट नहीं किया है। और ऐसे स्टूडेंट अगर अपनी एजुकेशन को नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, तो उनको रीएडमिशन फ़ी भी पे करना पड़ेगी। तो अगर आप गलती से भी अगर आपने कोई कोर्स सिलेक्ट नहीं किया और आप स्टडी करना चाह रहे हैं, आप इनएक्टिव स्टूडेंट नहीं अपने आप को कंसिडर करते, तो आपको फ़ौरन जो है वो कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।